मोदी सरनेम को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी मामले में सूरत सेशन कोर्ट ने उन्हें दोषी मानकर 2 साल की सजा और जुर्माना लगाया, जिसके बाद उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द होने को लेकर प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी ट्वीट किया था कि श्री राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म करना तानाशाही का एक और उदाहरण है। बीजेपी ये ना भूले कि यही तरीका उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी के खिलाफ भी अपनाया था और मुंह की खानी पड़ी थी। श्री राहुल गांधी देश की आवाज है जो इस तानाशाही के खिलाफ अब और मजबूत होगी, जिसके बाद अचानक से पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की चर्चा शुरू हो गई है। दरअसल ये चर्चा इसलिए शुरू हुई क्योंकि इंदिरा गांधी की सदस्यता भी कोर्ट के आदेश के बाद चली गई थी, वो भी तब जब वो खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर थी। इसी के बाद देश में आपातकाल लग गया था। आइए अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। सन 1971, इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण केस। यूपी के रायबरेली से इंदिरा गांधी लड़ रही थी लोकसभा का चुनाव। प्रतिद्वंदी राजनारायण ने लगाया चुनावों में धांधली का आरोप। मामले में दोषी पाई गई इंदिरा गांधी, जिसके बाद चली गई संसद की सदस्यता। सन 1971 में इंदिरा गांधी ने लोकसभा चुनाव में रायबरेली से जीत हासिल की थी। उनकी जीत को प्रतिद्वंदी राजनारायण ने कोर्ट में चुनौती दी थी। इस मुकदमे को इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण के नाम से जाना जाता है। इस हार के बाद राजनारायण कोर्ट की शरण में गए और इंदिरा गांधी पर चुनाव में धांधली का आरोप लगाया। जस्टिस सिन्हा ने विशेषाधिकारों के हनन में 12 जून 1975 को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी को इस मामले में दोषी पाया था। हालांकि बाद में इंदिरा गांधी 1980 में भारी समर्थन से दोबारा चुनाव जीतकर सदन पहुंची थी। और आज इस केस की चर्चा इसलिए क्योंकि देश की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले इसी गांधी परिवार का एक और सदस्य और केरल के वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदन की सदस्यता को रद्द किया गया। यानी कई बार सत्ता के शीर्ष पर रहने वाले गांधी परिवार के लिए ये पहली दफा नहीं है जब उनका कोई सदस्य कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ा हो। देखा जाए तो किसी मामले में दोषी पाए जाने का सिलसिला पूर्व पीएम इंदिरा गांधी से शुरू होता है। रिपोर्ट कैसी लगी कमेंट करके जल्दी बताएं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।